नमस्कार, ताप्ती अर्जुन मीडिया में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। बैतूल जिले की हर छोटी और बड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ताप्ती अर्जुन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बैतूल रेंज के एक दर्जन से ज़्यादा श्रमिक मजदूरी दिए जाने को लेकर ज्ञापन देने पहुँचे कलेक्ट्रेट। बैतूल जिला मुख्यालय पर कल बैतूल रेंज के अंतर्गत आने वाले तकरीबन एक दर्जन से ज़्यादा गांव के श्रमिक मजदूरी दिए जाने को लेकर शिकायत करने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। उनका कहना है कि वन विभाग के द्वारा उन्हें 18 दिन की मजदूरी दी जा रही है और महीने भर का काम करवाया जा रहा है। पहले 7,500 रुपये महीने का मिलता था, लेकिन अब मजदूरी और भी कम कर दी गई है। इस मामले में मजदूरों ने वन विभाग के अधिकारियों के अलावा रेंजर और बड़े अधिकारियों को भी शिकायत करी, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। इस बात से परेशान होकर श्रमिकों ने कल कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। बैतूल, ट्रेन की खिड़की गिरने से 4 वर्षीय बच्ची की कटी उंगलियां, जिला अस्पताल में इलाज जारी। बैतूल जिला मुख्यालय के जिला अस्पताल में कल बुधवार को 100 डायल के द्वारा एक 4 वर्षीय बच्ची को घायल अवस्था में लाया गया। बताया जा रहा है कि बक्सर बिहार से झेलम PNB एक्सप्रेस से महिला अपनी 2 बच्चियों के साथ धौलपुर गांव से आ रही थी। अचानक ट्रेन में कांच की खिड़की नीचे गिर गई, जिससे खिड़की पर रखी बच्ची की उंगलियां कट गई। बच्ची के हाथ की उंगली कटने की सूचना महिला ने तुरंत GRP और TC को दी, जिसके बाद बैतूल में गाड़ी रुकने पर महिला की बच्ची को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने बताया कि कांच की खिड़की गिरने की वजह से बच्ची की 3 उंगलियां फ्रैक्चर हो चुकी है, जिसका उपचार जारी है। बैतूल, तालाब और कुएं के काम की मजदूरी नहीं देने का धनिया जाम के मजदूरों ने सरपंच और सचिव पर लगाया आरोप, कलेक्टर से की मामले की शिकायत। मामला बैतूल जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम धनिया जाम का है, जहां मजदूरों ने अपनी मजदूरी दिलाए जाने की मांग को लेकर कल 22 सितंबर दिन बुधवार को दोपहर में कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीण मजदूरों ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके द्वारा 2019 में पंचायत में कुएं और तालाब का काम किया गया था, लेकिन सरपंच और सचिव के द्वारा अब तक उन्हें मजदूरी नहीं दी गई है। बार बार मजदूरी की बात जब उनसे कही जाती है तो उनके द्वारा केवल और केवल आश्वासन दिया जाता है। लगभग 30 से 40 मजदूर ऐसे हैं जिन्हें मजदूरी नहीं मिल पाने के कारण आर्थिक रूप से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए उन्होंने कल कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर से मांग की है कि उन्हें जल्द से जल्द मजदूरी दिलाई जाए। बैतूल, बोरदई थाने के SI द्वारा दहलवाड़ा निवासी शख्स के साथ मारपीट किए जाने को लेकर पीड़ित ने SP कार्यालय में की शिकायत। बैतूल जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बोरदई थाना क्षेत्र के दहलवाड़ा गांव से आए संतोष ने बताया कि उसकी मां भूरीबाई के साथ रामदास और लक्ष्मण नाम के 2 युवकों ने मारपीट की थी। इसी बात की शिकायत करने वह बोरदई थाने गया था, लेकिन थानेदार ने उसके ऊपर 4 हाउस पाइप मारकर उसे अंदर कर दिया और 5,000 रुपये की मांग करने लगा। 5,000 लेने के बाद ही उसे छोड़ा गया। उसने बताया कि जिन लोगों ने उसकी मां के साथ मारपीट की थी उनके खिलाफ कार्रवाई के बदले उसे ही मारपीट करके अंदर कर दिया गया। इसी बात को लेकर वह पुलिस अधीक्षक कार्यालय शिकायत करने पहुंचा है। बैतूल, खेड़ला किला में गणेश विसर्जन के दिन 2 पक्षों में हुआ था विवाद, बुधवार को थाने में हुआ दोनों पक्षों में समझौता। मामला 20 सितंबर गणेश विसर्जन का है, जहां पर खेड़ला किला गांव में 2 पक्षों में विवाद हो गया था, जिसके बाद पीड़ित पक्ष और आरोपी पक्ष को कल गंज पुलिस ने आमने सामने किया और दोनों के बीच ही समझौता कराने की पेशकश की, जिसके बाद गंज थाने में दोनों के बीच समझौता हो गया, जिसमें किसी भी प्रकार की शिकायत थाने में नहीं करने को लेकर समझौता किया गया। बैतूल, माचना पुनर्जीवन को लेकर बरसाली में ग्राम सभा का हुआ आयोजन। माचना में स्टॉप डैम सहित अखंड भारत के केंद्र बिंदु पर बनेगी जल संरचनाएं। बैतूल में कल माचना पुनर्जीवन अभियान के तहत बुधवार को अखंड भारत के केंद्र बिंदु ग्राम बरसाली में माचना के किनारे ग्राम सभा आयोजित की गई, जिसमें अतिथियों ने सर्वप्रथम ग्राम देवता और नदी की पूजा पाठ की। सभा के पूर्व उपस्थित सभी श्रमदानियों ने नदी तट और पुलिया पर साफ सफाई की। सभा में ग्रामवासियों के साथ तकनीकी प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे।
बैठक के पश्चात अतिथियों ने नदी क्षेत्र और अखंड भारत के केंद्र बिंदु का भ्रमण कर वहां बनी जल संरचना और पौधरोपण का निरीक्षण किया। अतिथियों ने पहाड़ी पर नीम के पौधे भी रोपे। पुनर्जीवन अभियान दल ने बरसाली की पहाड़ी के प्राकृतिक झरने का अवलोकन भी किया। मुलताई, ड्यूटिया और कामत पंचायत में बिजली विभाग द्वारा जबरन परेशान किए जाने को लेकर ग्रामीणों ने मुलताई एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। मामला मुलताई क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ड्यूटिया और कामत का है, जहां पर पंचायत की बिजली विभाग द्वारा काट दी गई है, जिससे ग्रामीणों को पेयजल की समस्या आने लगी है। बिजली विभाग द्वारा बिजली का बिल न भरे जाने का हवाला देकर पंचायत के ट्यूबवेल की बिजली भी काट दी गई है, जिससे दोनों ग्रामों के ग्रामीणों को पेयजल की समस्या हो रही है। ग्राम पंचायत ड्यूटिया के ग्राम प्रधान लक्ष्मण परिहार ने बताया कि उनके द्वारा प्रतिमाह पंचायत के कनेक्शन से आने वाले बिल को भरा जा रहा है, बावजूद इसके बिजली विभाग अनावश्यक रूप से बिजली का बिल थमा रहा है और उन्होंने बिजली भी काट दी है, जिससे गांव में पेयजल की भीषण समस्या उत्पन्न हो गई है। इसी की वजह से कल दोनों गांव के समस्त ग्रामीण मुलताई एसडीएम हरसिमरनप्रीत कौर के पास पहुंचे और बिजली विभाग के कर्मचारियों की शिकायत की। मुलताई, स्कूल जाने का बोलकर बैग लेकर गई युवती नहीं लौटी वापस घर, मुलताई थाने में शिकायत हुई दर्ज। मुलताई थाने में कल 22 सितंबर दिन बुधवार को लगभग 3 बजे नंदकिशोर पिता दिनेश यादव निवासी निम्बोटी मुलताई थाने में पहुंचे और थाने में शिकायत दर्ज करते हुए बताया कि उनकी छोटी बहन सपना पिता दिनेश यादव उम्र 18 वर्ष निवासी निम्बोटी 21 सितंबर की सुबह 10 बजे ड्रीम्स प्ले स्कूल घाट बिरोली जाने का बोलकर बैग लेकर गई थी, जिसके बाद वह अब तक वापस नहीं लौटी है। युवक ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके द्वारा आसपास पड़ोस मोहल्ले और रिश्तेदारी में भी पता किया गया है, लेकिन किसी भी तरह का कोई भी पता नहीं चल पाया है, जिसके बाद उन्होंने कल मुलताई थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। मुलताई, इंदिरा गांधी वार्ड निवासी मत्स्य समिति सदस्य ने जिला मत्स्य अधिकारी पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। मुलताई में इंदिरा गांधी वार्ड निवासी दिनेश पिता सूर्यभान मोरे ने जिला मत्स्य अधिकारी दिलीप गुजर पर गंभीर आरोप लगाते हुए मत्स्य समितियों को डैमो का ठेका देने के लिए मत्स्य अधिकारी द्वारा नियमों का गलत तरीके से उपयोग करके भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप लगाया है। जानकारी देते हुए दिनेश ने बताया कि जो व्यक्ति मर चुके हैं उन व्यक्तियों का नाम भी समिति में जुड़ा हुआ है और फर्जी तरीके से आवंटन भी किया जा रहा है। मत्स्य समिति के सदस्य के द्वारा जिला मत्स्य अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। इसको लेकर स्थानीय विधायक एसडीएम और बैतूल कलेक्टर को भी शिकायत की गई है। मुलताई, जलाराम मंदिर के पास हुआ एक्सीडेंट, तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर। मामला मुलताई के नागपुर रोड का है, जहां पर जलाराम मंदिर के पास तेज रफ्तार कार चालक ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी, जिसके कारण बाइक पर बैठे 2 बच्चे और 1 आदमी को गंभीर चोट लग गई। गंभीर चोट लगने के कारण कल 22 सितंबर दिन बुधवार को दोपहर में 1 बजे जिला अस्पताल बैतूल में इलाज के लिए लाया गया, जहां 1 बच्चे को सर में वहीं दूसरे को हाथ पैर में चोट लगी है, वहीं बड़े व्यक्ति को मामूली चोटें आई है। इन 3 का ही जिला अस्पताल में डॉक्टर द्वारा इलाज जारी है। जानकारी देते हुए घायल व्यक्ति ने बताया कि वह अपने बच्चों को इलाज के लिए दोपहर में हरदौली से मुलताई लेकर आ रहा था, तभी कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। भैंसदेही, नगर परिषद ने चलाया सफाई अभियान, सिविल लाइन में सफाई कर्मियों ने विशेष तौर पर की नालियों की सफाई। भैंसदेही में बुधवार को भैंसदेही नगर परिषद के द्वारा नगर के सिविल लाइन में एक विशेष अभियान चलाया गया। इस सफाई अभियान के अंतर्गत नालियों की विशेष रूप से सफाई की गई। नगर परिषद सीएमओ कालू सिंह उइके ने जानकारी देते हुए बताया कि इन दिनों स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शहर में विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है और शहर को साफ सुथरा बनाए रखने का कार्य निरंतर जारी है। इसी को मद्देनजर रखते हुए सिविल लाइन में नगर परिषद के सफाई कर्मियों के माध्यम से नालियों की सफाई की गई। भैंसदेही, कांग्रेस सेवा दल भैंसदेही के कार्यकर्ताओं ने बारिश से खराब हुई सोयाबीन की फसलों का सर्वे कराने की प्रशासन से की मांग। बुधवार को भैंसदेही में कांग्रेस सेवा दल भैंसदेही के कार्यकर्ताओं ने बारिश से खराब हुई सोयाबीन की फसलों का सर्वे कराकर किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग शासन प्रशासन से की है।
कांग्रेस नेता रामू सिंह टेकाम ने बताया कि इस क्षेत्र में अधिक बारिश हो जाने के कारण किसानों की सोयाबीन की फसलों को बहुत नुकसान हुआ है और वो सभी ज्ञापन के माध्यम से क्षेत्र के किसानों की सोयाबीन की फसलों का पटवारी के माध्यम से सर्वे करवाकर उन्हें उचित मुआवजा दिलाए जाने की मांग करते हैं। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक धर्मू सिंह सिरसाम एवं समस्त कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता मौजूद रहे। घोड़ा डोंगरी, जामखोदर, रोजड़ा और बाकुड़ गांव में डिप्टी कलेक्टर ने घर घर जाकर किया ग्रामीणों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित। घोड़ा डोंगरी तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में कल डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे पहुंची और उन्होंने ग्रामीणों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया। इस दौरान डिप्टी कलेक्टर लोगों के घर घर गई और वैक्सीनेशन की जानकारी देते हुए वैक्सीनेशन के फायदे लोगों को गिनाए। इसके अलावा उन्होंने वैक्सीन के लिए लोगों द्वारा फैलाई जा रही भ्रांतियों को दूर करने का भी प्रयास किया। इस मौके पर भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष मोहन मोरे, प्रवीण सोनी सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। घोड़ा डोंगरी पीपरी गांव में बुधवार को आबादी भूमि का किया गया ड्रोन सर्वे, कब्जाधारियों को मिलेगा जमीन का मालिकाना हक। घोड़ा डोंगरी के कानाबाड़ी ग्राम पंचायत के पीपरी गांव में बुधवार को आबादी भूमि का ड्रोन सर्वे किया गया। इस सर्वे के माध्यम से कब्जाधारी लोगों को जमीन का मालिकाना हक मिल जाएगा। पटवारी रामलाल कुमरे ने जानकारी देते हुए बताया कि कल राजस्व विभाग की टीम द्वारा आबादी भूमि का बुधवार को सर्वे कराया गया। ड्रोन के माध्यम से हुए सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर आबादी भूमि पर कब्जाधारियों को जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। इसी के लिए यह सर्वे कार्य कराया जा रहा है। शाहपुर माली सिलपट्टी गांव में एक बाइक हुई अनियंत्रित, सड़क के किनारे खाई में गिरी, बाइक सवार व्यक्ति हुआ घायल। शाहपुर के माली सिलपट्टी गांव में मंगलवार रात तकरीबन 11:30 बजे एक बाइक अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खाई में गिर गई, जिसमें हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति घायल हो गया। ग्रामीणों ने मामले की जानकारी 108 एम्बुलेंस को दी। सूचना मिलते ही रात करीबन 12 बजे 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल को शाहपुर अस्पताल लेकर गई। 108 एम्बुलेंस से प्राप्त जानकारी के अनुसार रामविलास डुमराव सिरसावाड़ी अपने गांव जा रहे थे, इसी दौरान माली सिलपट्टी गांव के पास उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में गिर गई, जिसके बाद युवक घायल हो गया। भीमपुर चकधाना से ढाकना धारा गुहान के बीच नदी पर पुल नहीं होने के कारण बाढ़ के दौरान आवागमन अक्सर हो जाता है अवरुद्ध। भीमपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले चकढाना से ढाकना धारा गुहान के बीच 5 किलोमीटर के मार्ग पर पड़ने वाली नदी पर पुल नहीं होने के कारण अक्सर बरसात के दिनों में ग्रामीणों को बाढ़ की स्थिति के दौरान कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मामले में जानकारी देते हुए ग्रामीण सूरज कुमरे ने बताया कि बाढ़ के दौरान अक्सर आवागमन अवरुद्ध होता रहता है, जिसके चलते ग्रामीण काफ़ी परेशानियों का सामना करते हैं। मंगलवार शाम और बुधवार सुबह भी तेज बारिश होने के चलते नदी में बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई थी, जिसके कारण काफ़ी ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। चिचोली भगत सिंह वार्ड के पार्षद की समझाइश के बाद युवक ने लगवाई कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज। चिचोली में विगत 15 दिनों से वार्ड क्रमांक 2 भगत सिंह वार्ड में निवासरत एक शख्स द्वारा नगर परिषद और वैक्सीनेशन दल को वापस किया जा रहा था, लेकिन कल आखिरकार वार्ड पार्षद की समझाइश के बाद युवक ने वैक्सीन लगाकर अपने मन में वैक्सीन को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर कर लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार भगत सिंह वार्ड क्रमांक 2 के कमलेश सोनी द्वारा विगत 15 दिनों से वैक्सीनेशन दल को बार बार वापस भेजा जा रहा था और प्रथम डोज नहीं लगवाया जा रहा था और वैक्सीनेशन दल को भी वापस जाने को मजबूर होना पड़ रहा था। नगर परिषद के कर्मचारियों और वैक्सीनेशन दल के लगातार प्रयासों के बाद आखिरकार बुधवार को वार्ड पार्षद की समझाइश के बाद युवक ने वैक्सीन लगाकर जागरूकता का परिचय दिया। गौरतलब है कि 100% वैक्सीन को लेकर हर संभव प्रयास नगर परिषद के कर्मचारियों के द्वारा किए जा रहे हैं। आठनेर मोरन गांव में 3 वर्षों से पेयजल योजना पड़ी अधूरी, ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से की शिकायत। आठनेर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रभातपट्टन के ग्राम मोरन गांव में 3 वर्षों से पेयजल योजना अधूरी पड़ी है। यहां के ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि ठेकेदार के द्वारा 3 वर्षों से निर्माण कार्य बंद करके रखा गया है,
जिसे ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व सरपंच दद्दू उइके ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव में पेयजल योजना का कार्य 50 लाख से अधिक की राशि पर स्वीकृत हुआ था, जो कि 3 वर्षों से भी अधिक समय से अधूरा पड़ा है। इस मामले में ग्रामीणों के द्वारा जिला कलेक्टर को शिकायत की गई है और शीघ्र निराकरण करने की मांग की गई है। आमला भुयारी गांव में आबकारी विभाग ने 135 लीटर अवैध कच्ची शराब की जब्त। 2 आरोपियों सहित 14,500 रुपए की पकड़ी गई शराब। आमला ब्लॉक के भुयारी गांव में कल 22 सितंबर दिन बुधवार को आबकारी विभाग की टीम ने 2 आरोपियों के पास से 135 लीटर अवैध कच्ची शराब जब्त की है। वहीं अवैध शराब की कीमत 14,500 रुपए की बताई जा रही है। आबकारी विभाग के SI राजेश भाटी ने जानकारी देते हुए बताया कि आबकारी विभाग को सूचना मिली थी कि गांव में 135 लीटर अवैध कच्ची शराब बेची जा रही है, जिसके बाद 2 आरोपियों दिलीप मोहबे और राहुल को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है और आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो ये थी बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। ऐसी खबरों को लगातार पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ताप्ती अर्जुन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अपने आसपास की घटनाओं, खबरों और परेशानियों को हम तक पहुंचाने के लिए आप हमारे WhatsApp नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नई खबरों के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।